नमस्कार, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक और यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फुल फॉर्म। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फुल फॉर्म। दोस्तों, हमने अपने आसपास या समाज में या कुछ पद प्रतिष्ठान में देखा होगा कि कुछ वर्ड होते हैं जो शॉर्ट में लिखे रहते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं का फुल फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में सिविल सेवा का सबसे बड़ा पद होता है आईएएस। तो इसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। चलिए, आईएएस यानी दोस्तों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस मीन्स होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस दोस्तों आईपीएस का फुल फॉर्म होता है, यानी भारतीय पुलिस सेवा। ठीक, नेक्स्ट है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। नेक्स्ट है दोस्तों आईएफएस, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देखिए फिर दोबारा दोस्तों है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। दोस्तों आईएफएस में दो सर्विस दी गई है, ठीक है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है आपका, एक इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक, आईएफएस। देखिए दोस्तों पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ठीक, नेक्स्ट है डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आईजी मीन्स क्या होता है दोस्तों, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे है डीआईजी, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी के फुल फॉर्म क्या होता है, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एसएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। नेक्स्ट है एसपी मीन्स क्या होता है दोस्तों, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ठीक, एसएसपी मीन्स सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसपी मीन्स सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। देखिए अगला है एएसपी। एएसपी दोस्तों एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहां पर दोस्तों एडिशनल लग जाएगा। ठीक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है डीएसपी। डीएसपी का देखिए फुल फॉर्म, डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डीएम मीन्स क्या होता है, यानी डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है एडीएम, ये मतलब होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम मीन्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है एफडीएम। एफडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एफडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है एफडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। एफडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए बीडीओ। बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बी से ब्लॉक हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑफिसर, यानी वीडियो का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है वीडियो, यहाँ पर दोस्तों वीडियो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, यहाँ नेक्स्ट है वीडियो मीन्स विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आईबीपीएस। आईबीपीएस का फुल फॉर्म दोस्तों देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग
पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS का फुल फॉर्म है। देखिए नेक्स्ट है SSC के फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है UGC दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेट है, नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक। देखिए दोस्तों सीटेट है, सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेक्स्ट है RO, RO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रिव्यू ऑफिसर। RO रिव्यू ऑफिसर होता है दोस्तों, तो एक पद होता है दोस्तों AR, तो उसका होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो जाता है, ठीक है। RO मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, और दोस्तों AR लग जाता है, ए लग जाता है आगे, तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है SI है, सब इंस्पेक्टर। SI क्या फुल फॉर्म होता है, सब इंस्पेक्टर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों TC है, TC का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर। नेक्स्ट है TTE, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। नेक्स्ट है दोस्तों SO, स्टेशन ऑफिसर। SO का फुल फॉर्म स्टेशन ऑफिसर हो जाता है। नेक्स्ट है CPF, सेंट्रल पुलिस फोर्स। CPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस फोर्स। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। CPO का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है ICS, ICS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस। ICS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। PSC का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है FDO, सब डिविजनल ऑफिसर। FDO का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर। SSB है दोस्तों, देखिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। SSB का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। नेक्स्ट है CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CID का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CID का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और दोस्तों CBI क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक। नेक्स्ट है CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है दोस्तों RPF, RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। नेक्स्ट है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA मींस होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी वित्तीय लेखा जोखा करने वाला, ठीक, CA होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। TET है दोस्तों, TET का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट।
टेट का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है पीएचडी, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है WWF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है BIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, BIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक। नेक्स्ट है वैट, वैट का फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कोटा, कोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये दोस्तों आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में एक कानून बनाया गया था, ठीक है, कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक। नेक्स्ट है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों LPG है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों ये कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट है LLB, LLB क्या दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ लॉ LLB। नेक्स्ट है LLM, दोस्तों LLM का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ लॉ, यानी कानून में मास्टर की डिग्री हासिल करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों LBW, दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है, लेग बिफोर विकेट, LBW लेग बिफोर विकेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए दोस्तों JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दोस्तों ये हमेशा चर्चा में रहता है, ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, ठीक, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं FIR, दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। नेक्स्ट है दोस्तों RDS, RDS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव RDS का दोस्तों फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स है दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। आगे है BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, BEd मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है MEd है, MEd का फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक। आगे है MBBS है दोस्तों, MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ध्यान से देखिए दोस्तों MBBS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए दोस्तों MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का फुल फॉर्म होता है। देखिए MLC का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है MBA का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यानी बिजनेस में मास्टर डिग्री हासिल करने वाला, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है MP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद दोस्तों, ठीक है, MP मीन्स मध्य प्रदेश भी हो जाता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं MS,
एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मास्टर ऑफ सर्जरी। मेडिकल क्षेत्र में दोस्तों एमएस का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। आगे बढ़ते हैं एमडी। एमडी मेडिकल क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल क्षेत्र में। बाकी ऐसे जनरली एमडी क्या मीन्स हो जाता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। बिजनेस क्षेत्र में एमडी मीन्स होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड डॉक्टरी क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीसी है दोस्तों। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक, आगे है एआईआर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया रेडियो, एआईआर का फुल फॉर्म होता है। ठीक, आगे है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। कहीं कहीं दोस्तों ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन लिखा रहता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए एसटीडी है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बीटीसी बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट। दोस्तों अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है डीएलएड, डीएलएड, ठीक है। बीटीसी का फुल फॉर्म बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट होता था। ठीक, आगे है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है डीएलएड यानी बीटीसी, वर्तमान डीएलएड, पूर्व नाम बीटीसी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, डीएलएड का फुल फॉर्म हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ग्रुप में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।